दोस्तों कल है एथर एनर्जी का कम्युनिटी इवेंट और इस इवेंट से रिलेटेड इनविटेशन गया है कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों को। वैसे तो इस इवेंट में कंपनी के सीईओ बहुत सारे डिटेल बताने वाले रिगार्डिंग द न्यू कलर, न्यू यूआई और बहुत सारी डिटेल्स जो कि वो कल के इवेंट में बताने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी लीक हो चुकी है, उसमें से एक आज चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक द न्यू कलर जो कि आपको देखने को मिलेगा एथर 450X जेन 3 में। दूसरा इज द यूआई, जो यूआई है, जो इंटरफेस है जो एथर एनर्जी का, वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो नए यूजर है उनको कंपनी से अपडेटेड देखने को मिलेगा, जो ओल्ड यूजर है उनको ओटी अपडेट के थ्रू ये जो नया यूआई है देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज भी कुछ लीक्स आई है जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जसप्रीत सिंह जिन्होंने मीडिया के साथ कुछ पिक्चर्स एंड कुछ चीजें डिटेल शेयर की है, उसमें से एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला तो कलर, यहाँ पे अब कंपनी चार नए कलर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी तक तीन कलर है एथर एनर्जी के पास, एथर 450X जेन 3 में चार कलर और ऐड कर रहे हैं। चार कलर कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्मिक ब्लैक, लूनर ग्रे, सॉल्ट ग्रीन एंड रेविसिंग रेड। ये जो चार कलर है इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग कलर कौन सा मैं आपको बताऊँ, लूनर ग्रे, क्योंकि इस वाले जो वेरिएंट में आपको अब रेड कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जो कि थोड़ी सी स्पोर्टीनेस लगेगी इस गाड़ी को अगर देखेंगे तो। वैसे तो ये चारों कलर अच्छे हैं और जो एग्जिस्टिंग कलर है देखा जाए तो हाँ उससे थोड़ा सा सिमिलर ही देखने को मिला, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला। और जो दूसरा अपडेट है वो ये है, जो सीट है एथर एनर्जी का, अभी तक काफी लोग कंप्लेन करते थे कि थोड़ा छोटा है और उतना अच्छा कुशनी भी नहीं है और उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना ओला का है। सो कंपनी ने इस चीज को सुना, अब जो गाड़ियां आने वाली है एथर 450X जेन 3, वो गाड़ियों में अब आपको जो सीट है वो थोड़ी ज्यादा चौड़ी और ज्यादा लंबी देखने को मिलेगी। ये जो सीट है इसकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई है वो ज्यादा होने के कारण जो राइड है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। हालांकि चौड़ाई और लंबाई करने से यहाँ पे जो सैडलिंग हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बट एक अच्छी चीज है कि अब जो दो लोग एथर की गाड़ी में बैठेंगे वो उतना कंजेस्टेड नहीं होगा, अब ज्यादा अच्छा एयर ही होगा। बट इतना ज्यादा भी एक्सटेंड नहीं किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, इवन जो विड्थ है वो थोड़ी सी एक्सटेंड की है। तो ये दो अपडेट आज के दिन हमको पता चली है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इसके अलावा ये जो कलर और ये जो सीट के बारे में मैंने बात की है ये बेसिकली सेम जेन 3 में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, उसके ऊपर अभी तक कंपनी पूरी की पूरी चुप्पी साधी हुई है, बस ये कलर और ये सीट के ऊपर अपडेट आया। और जो मोटर होगा, जो बैटरी होगा वो तो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही 23 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा एक व्हीकल के ऊपर चर्चा जरूर होगी कल, लेट्स सी कल और क्या क्या होता है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर ये अपडेटेड न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और से तो प्रीशेयर कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।